खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को वो बता दें, अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस तरह की जानकारी दी गई है कि राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से साफ मना कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस से ये उम्मीद की जा रही थी कि दिल्ली में गठबंधन हो, लेकिन अब राहुल गांधी ने साफ कर दिया है। शीला दीक्षित इस गठबंधन के खिलाफ थी, अजय माकन और उनके साथ बाकी नेता इस गठबंधन के पक्ष में थे, लेकिन राहुल गांधी ने यह फैसला किया है कि यह गठबंधन नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन से राहुल गांधी ने इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी लंबे वक्त से कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन राहुल गांधी ने इस गठबंधन से इनकार कर दिया है। ऐसा अरविंद केजरीवाल की तरफ से जानकारी दी गई है कि राहुल गांधी ने गठबंधन से इनकार कर दिया है। अब देखना होगा खासकर दिल्ली के 7 सीटों पर जो चुनावी रणनीति होगी वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की किस तरह से होगी। और जयेंद्र जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। जयेंद्र, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने निश्चित तौर पर यह बयान दिया है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं कांग्रेस पार्टी में और आम आदमी पार्टी में भी, दोनों तरफ से यही संकेत मिल रहे हैं कि फिलहाल बातचीत पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। दिल्ली में गठबंधन को लेकर के दोनों पार्टियां अभी संपर्क में हैं। हालांकि ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी 700 सीटों पर दिल्ली के उम्मीदवार उतार चुकी है, कांग्रेस ने भी उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है, लेकिन अंदर खाने दोनों पार्टियां संपर्क में हैं। आने वाले दिनों में इस पर कुछ सकारात्मक डेवलपमेंट। एक बात मुझे बताइए, बीच में ये खबर आ रही थी कि सीट कितनी बटेगी इसको लेकर बात फंस रही है। एक बात ये थी, शीला दीक्षित विरोध में थी, अजय माकन पक्ष में थे, एक बात, और आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार जैसे बयान आ रहे हैं, क्या प्रेशर टैक्टिक्स भी हो रही है क्या? यहाँ बिल्कुल, दोनों पार्टियों की जो स्टेट यूनिट है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय हो या दिल्ली कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित हो, वो अपने स्टेट के यूनिट के हित के हिसाब से बयान दे रहे हैं आप गौर करें तो। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे अरविंद केजरीवाल की टीम हो या राहुल गांधी की टीम हो, वहां पर जो है वो आपस में संपर्क जरूर बना हुआ है। 4-3 का एक संभावित फॉर्मूला है दिल्ली के लिए, 4 आम आदमी पार्टी लड़े, 3 कांग्रेस लड़े। हालांकि इस पर अभी आखिरी सहमति नहीं बनी है, लेकिन संपर्क में दोनों है। इसके अलावा केजरीवाल पंजाब और हरियाणा में भी सीटें कांग्रेस से चाहते हैं, हालांकि इसके लिए कांग्रेस जो है वो शुरुआती तौर पर तैयार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं, अभी इंतजार है कि आखिरी तौर पर क्या कुछ बात बनती है। लेकिन गठबंधन की जहां तक सवाल है, अभी आम आदमी पार्टी। जी जयेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे पूरा अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। जयेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी ने गठबंधन से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन जिस तरह से जयेंद्र जानकारी दे रहे हैं, अंदर खाने कहीं ना कहीं अभी भी बातचीत जारी है और हो सकता है जल्द तस्वीर पूरी तरह से साफ हो। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। एबीपी न्यूज पर आप लगातार जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए।